सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू HP फोटो एडिटिंग। तो आज हम आपको इस वीडियो में बकरीद के मौके पर फोटो एडिटिंग कर दिखाने वाले गाइज। तो अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरा कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो इस वीडियो में जितने भी PNG का यूज़ किया गया वो सभी PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे पीकार्ट में बैकग्राउंड ऐड कर लिए हैं, उसके बाद हम एक PNG ऐड कर लेंगे। तो चलिए ऐड फोटो पे क्लिक करके हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो ऐड फोटो पे हम क्लिक, सो यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे PNG ऐड कर लिए हैं, उसके बाद इसे हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसको हम कर देंगे स्मॉल, इसका साइज स्मॉल कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे डन। डन कर लेने के बाद हम यहाँ पे एक और PNG ऐड कर लेंगे। सो ऐड फोटो पे हम क्लिक करके ऐड कर लेते हैं। ये देख सकते हैं हम मॉडल का PNG ऐड कर लिए हैं, उसके बाद हम इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे, एडजस्ट कर देंगे। सो आप अपने हिसाब से इसे अपना फ़ोटो या फिर किसी और का भी फ़ोटो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। सो हम यहाँ पे अपने हिसाब से कर लेते हैं। इसे सेट कर लेने के बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और इरेज पे क्लिक करेंगे, और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम इरेज कर लेंगे। तो इरेज पे क्लिक किए उसका साइज़ कम कर देंगे और यहाँ पे इरेज कर लेंगे। तो चलिए इरेज। यहाँ पे हम मतलब जितना हमें एक्स्ट्रा पार्ट इरेज करना था वो सभी इरेज कर लिए हैं, उसके बाद कर देंगे डन। डन कर लेने के बाद यहाँ पे फिर से डन कर देंगे और एक और PNG हम ऐड कर लेंगे। सो ऐड कर लेते हैं, ये हम शैडो के लिए एक PNG ऐड कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो हमारे मतलब पैर के पास यहाँ पे शैडो क्रिएट करना है हमें, तो हम ये हमें बेस्ट लगा तो हम इसी से कर लेंगे, या फिर आपको अगर ऐसे नहीं करना है तो फिर आप ड्रा टूल्स में जाकर शैडो क्रिएट कर सकते हैं। सो हम इसे कुछ इस तरीके से सेट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इरेज पे क्लिक करेंगे, इनवर्ट पे क्लिक करेंगे और इरेज का साइज माइनस के साइड कर देंगे और यहाँ पे इरेज कर देंगे इस तरीके से। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे इरेज कर लिए हैं इन्वर्ट करके, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम डन पे क्लिक कर देंगे और डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपेसिटीज़ का माइनस के साइड कर लेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम इन करके इसका ओपेसिटी और माइनस के साइड करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद कर देंगे डन। डन कर लेने के बाद यहाँ पे एक और PNG ऐड कर लेंगे। तो चलिए ऐड कर, हमें यहाँ पे इतना सारा PNG ऐड कर लिए, तो इन सब को मतलब यहाँ पे सबसे पहले साइड कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहला काम है सिर्फ कैप को हम सेट करेंगे। सो कैप को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये यह हमारा परफेक्ट सेट हो गया कैप, देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसको हम कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे इस साइड, और यहाँ पे इसका ब्लाइंडिंग मोड कर देंगे चेंज। यहाँ पे इसका ब्लाइंडिंग मोड स्क्रीनिंग कर देते हैं और कुछ इस तरीके से हम कर लेते हैं जूम। जूम कर लेने के बाद ये हो गया हमारा परफेक्ट सेट। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमारा वर्ड्स है उसको भी हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे। ये हो गया, उसके बाद ये वाला PNG हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे, और इसका भी ब्लाइंडिंग मोड कर देंगे चेंज। ये आप देख सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से जूम कर देंगे। ये जो वर्ड है इसको कुछ सन का PNG, ये हो गया। इस
से हम सेट कर लिए, इसका ओपेसिटी हम कर देंगे माइनस के साइड कुछ इस तरीके से, ये हो गया। उसके बाद इससे हम इसे भी हम यहाँ पे सेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसका भी साइज हम मतलब ओपेसिटी इसका हम माइनस का साइड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये जो हमारा सन का पीएनजी यहाँ पर था, इसे हम अपने जगह पे इसे फिक्स कर लेंगे। ये हो जाने के बाद डन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से एक और पीएनजी, ये हम यहाँ पे ईद उल अज़हा का पीएनजी ऐड कर लिया। उसके बाद इसे कुछ इस तरीके से जूम इन कर देंगे और यहाँ पे इसे सेट कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारा कितना ज़्यादा क्रिएटिव फ़ोटो, देख सकते हैं। यहाँ पे कर देंगे डन। डन कर लेने के बाद देख सकते हैं हमारा बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद हम यहाँ पे इसे कर लेंगे सेव। तो सेव करने के लिए यहाँ पे आपको मतलब एरो का निशान दिख रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ये हमारा फोटो हो जाएगा गैलरी में सेव। सो आज के लिए बस इतना ही।